जिस भी भाई के पास देखिए जिंग सुपर फिटवेयर बॉक्स है, उनको कहीं ना कहीं हर रोज 10 दिन या 15 दिन के बाद एक गुड न्यूज़ मिलती रहती है, क्योंकि डिश टीवी यहाँ पर कुछ नए चैनल्स लॉन्च करता ही जा रहा है। जैसे ही अगर डिश टीवी पर कोई फ्री टू एयर चैनल लॉन्च होता है तो वो आपको जिंग सुपर बॉक्स पर भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा। अगर पेड चैनल लॉन्च होता है तो उसकी बात अलग है, वो तो चलिए आपको पैसे चुकाने के बाद ही देख सकते हैं, लेकिन अगर फ्री चैनल लॉन्च होता है तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट जिंग सुपर फिटवेयर बॉक्स यूजर्स को मिलता है। तो ऐसा ही बेनिफिट आज 21 सितंबर को भी जिंग सुपर बॉक्स यूजर को मिला है, क्योंकि डिश टीवी ने एक नया फ्री टू एयर चैनल लॉन्च कर दिया है। इसके साथ साथ मैं एक और चैनल की बात करूंगा जो कि डीडी फ्री से रिमूव हो चुका है, लेकिन डिश टीवी जिंग बॉक्स पर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है। तो ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा, वीडियो पर एंड तक बने रहना। दोस्तों चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक भी जरूर से करके जाया करें। तो यहाँ पर देखिए डिश टीवी के द्वारा जो जिंग सुपर बॉक्स पर जो चैनल लॉन्च किया गया है वो एक डिवोशनल चैनल है भाई, बहुत अच्छा चैनल है भाई। जी हाँ, एलसीए नंबर 1094 पर इसको लॉन्च कर दिया गया है। चैनल का नाम है साईं लीला टीवी। जी हाँ, एक डिवोशनल चैनल है जहाँ पर आपको साईं भक्ति के डिवोशनल प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे, और जो साईं बाबा मंदिर है वहाँ से जो आपको शायद लाइव टेलीकास्ट भी चैनल पर देखने को मिल सकता है। और अगर आप लोग इस तरह का चैनल देखना पसंद करते हैं तो एक बिल्कुल फ्री टू एयर चैनल है, और जिंग बॉक्स पर जो है इसको लॉन्च कर दिया है 1094 पर। इसके साथ साथ मैंने एक सेकेंड चैनल के बारे में भी बात करी है जो कि डीडी फ्री से रिमूव हो चुका है। जी हाँ, एक न्यूज़ के चैनल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ जो कि है भारत 24। इसका सीधा सीधा बेनिफिट जो है जिंग सुपर बॉक्स को मिल रहा है। भारत 24 नाम का चैनल डीडी फ्री से तो रिमूव हो चुका है, इसके बाद ई ऑक्शन करी गई उस लोट के लिए और वहां पर इंडिया डेली लाइव लॉन्च कर दिया गया है। तो इंडिया डेली लाइव जो है जिंग बॉक्स यूजर को पहले से भी देखने को मिल रहा था डिश टीवी की तरफ से, बाकी भारत 24 जो है डीडी फ्री यूजर्स को अब देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी मेरा भाई भारत 24 चैनल देखना पसंद करता था, तो जिस भी भाई के पास जिंक बॉक्स है तो वहाँ पर भारत 24 नाम का चैनल अभी भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिश टीवी पर भारत 24 चैनल अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये बेनिफिट जो है जिंक बॉक्स को काफ़ी मिल जाते हैं, जबकि डीडी फ्री यूजर्स को इतना वेट करना पड़ता है चैनल एडिशन के मामले में। ठीक है, सो अपडेट यही थी जिंक बॉक्स यूजर्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से करें। धन्यवाद।